हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन पोर्टल राज एजुकेशन सेंटर। क्लास टेंथ मैथमेटिक्स का लेक्चर हमें आगे कंटिन्यू करना है। जो भी स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो बने रहें लास्ट वीडियो में और एंड तक जरूर देखें। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरीज हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। यहाँ पर एक्सरसाइज 4.1 हमें कंटिन्यू करना है, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। और जो मैंने आपको टाइप 1 बताया था फैक्टराइजेशन मेथड, उसी मेथड से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहां पर क्वेश्चन मैंने नोट किया हुआ है, x-1 upon x-2 plus x-3 upon x-4 = 10/3। हमें इस क्वेश्चन को पहले सिंप्लीफाई करना होगा, फिर उसके बाद हमें फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करना है। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए ये जो आपका LHS का टर्म दिया हुआ है, इसमें हमें LCM लेना होगा। तो इसमें LCM कितना आ जाएगा दोस्तों, x-2 और दूसरे ब्रैकेट में x-4। अब हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, x-1 into x-4। जब फ्रैक्शन में हम लोग LCM लेते थे, उसी तरह से इसको भी हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए x-3 और दूसरे ब्रैकेट में x-4 = आपका यहाँ पर दिया है 10/3। अब देखिए हमें क्या करना होगा, इसका अंदर मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ पर भी वही काम करना है और नीचे भी आपका सेम काम करना है। तो ये आपको क्या करना होगा, देखिए x का मल्टीप्लाई हमें x के साथ करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा x2। फिर x का मल्टीप्लाई हमें इस 4 के साथ में करना है, तो माइनस यहाँ पर साइन है, तो -4x हो जाएगा। फिर बचा आपका 1 माइनस का, तो -1 का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इस x के साथ में, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का x, क्योंकि 1 का किसी भी वैल्यू में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी वही वैल्यू आती है। और -4 करेंगे, -1 का आपको मल्टीप्लाई करना है -4 के साथ में, तो माइनस माइनस तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और 4 × 1 कितना होता है, 4 होता है। सिमिलरली आपको यहाँ पर भी वही काम करना है, तो x का पहले पूरे में मल्टीप्लाई कराते हैं, तो x² - 4x - 3 का मल्टीप्लाई कराते हैं, तो 3x और 3 × 4 जो होता है 12, प्लस का आपका आ जाएगा 12, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। सिमिलरली आपको यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपका आ जाएगा x² - 4x - 2x + 4 × 8 = आपका यहाँ पर देखिए 10/3 है। अब ऊपर वाली वैल्यूज को सॉल्व करते हैं, ये आपका x² है, ये x² कितना हो जाएगा यहाँ पर 2x². अब देखिए 4 माइनस का है और माइनस का x, ये आपका 5 हो गया, 5 में से हमने माइनस का 4 और ऐड कर दिया, तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा माइनस का, और माइनस का 9 और माइनस का 3 कितना हो जाएगा 12, तो माइनस का यहाँ पर हम डायरेक्टली 12x लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये 4 है आपका और ये आपका 12 है, तो 4 में से आपको 12 को ऐड करना है, कितना हो जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा, अपान यहाँ पर आपको यही काम करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा x² 4 में से 2 ऐड करेंगे तो 6x हो जाएगा +8 = 10/3। अब देखिए क्या करना है, इसका हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 का इसमें करेंगे और यहाँ पर आपको 10 का मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई कराते हैं, 3 × 2 कितना हो जाएगा 6x², 12 × 3 कितना हो जाएगा 36, तो यहाँ पर आ जाएगा 36x, और 16 × 3 कितना होता है 48, यहाँ पर लिख देंगे 48 = अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 10 में, तो यहाँ पर आ जाएगा 10x² - 10 × 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 60 हो जाएगा x और प्लस का यहाँ पर 80 हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, इस पूरी वैल्यू को हम अगर उधर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 10x² इसको उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का 6x² हो जाएगा और यहाँ पर आपका माइनस का 60x है, इसको हम उधर ले जाएंगे तो ये आपका 36x हो जाएगा और इसके बाद में यहाँ पर 80 है और इस 48 को ले जाएंगे तो यहाँ पर माइनस का 48 हो जाएगा = 0। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए 10 में से 6 जाएगा
तो 4x स्क्वायर बचेगा, माइनस का यहाँ पर 60 है और यहाँ पर आपका 36 है, तो माइनस की वैल्यू ज़्यादा है तो साइन आपका माइनस का आएगा और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर कितना बचेगा देखिए, 10 में से 6 जाएगा तो 4 आएगा और यहाँ पर 5 में से 3 जाएगा तो ये 2 आ जाएगा, 24x आ जाएगा। अब इसको भी हमें सेम काम करना है, प्लस की वैल्यू ज़्यादा है तो प्लस का साइन आएगा और इसमें से इसको घटाना है तो 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 32 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें कोई कॉमन मिल रहा है, 4 इसमें कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर 4 कॉमन ले लेते हैं, कितना बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 6x और प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। ये 4 उधर जाएगा तो ये 0 क्या हो जाएगा, इधर जा करके 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपकी इक्वेशन बची है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ पर लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी आ चुकी है, इटरेशन मेथड से हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं, कितना 4 × 2 = 8 होता है, इस 8 का हमें फैक्टर करना होगा और 4 में से 2 ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का 2x प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। माइनस का यहाँ पर वैल्यू इसलिए लेंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस का 6 हमें लाना था, तो x इसमें कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 और माइनस का यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से x माइनस 4 कॉमन मिल रहा है दोनों में, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब एक एक करके 0 करते हैं तो x माइनस फोर इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। सिमिलरली x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू जो आई है आपकी 2, 4 आई है, यही आपका आंसर होगा। हमें इसमें क्या करना था, x की वैल्यूज हमें निकालना था, फैक्टराइजेशन मेथड से इस इक्वेशन को सॉल्व करना था। तो बहुत ही वैसे सिंपल क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर लग रहा होगा काफ़ी लेंदी है, बट आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंप्लीफाई करते जाना है और इसे सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा, क्वेश्चन नंबर 5th का 4 पार्ट यहाँ पर गिवेन है और ये देखिए जो इक्वेशन दी हुई है 3x² - 2√6x + 2 = 0। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये अंडर रूट को देखकर बहुत ही सोच में पड़ जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है, देखिए ये आपकी इक्वेशन दी हुई है और ये आपका दिया हुआ है 2√6। तो यहाँ पर देखिए इसको और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते थे तो यहाँ पर 3 × 2 कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 6 आ रहा है। अगर हम √6 × √6 करते हैं तो भी आपका 6 आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 2√6 लाना है, अगर हम −√6 को और −√6 को ऐड कर देंगे तो माइनस का 2√6 आ जाएगा। तो इसका फैक्टर तो यहाँ पर ये निकल के आ गया, तो 3x² - √6x और −√6x + 2 = 0। अब देखिए यहाँ पर, अब इसके बाद कॉमन लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो क्या करना है देखिए यहाँ पर 3x को कॉमन लेना है, 3x यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है x − √6/3, इतना बच जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि हम इसमें क्या कॉमन लें, तो यहाँ पर √6 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या बचता है x − √6/3 ही बचेगा। अब ये कैसे बचेगा इसको यहाँ पर देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर √6 कॉमन ले लिया तो इसमें क्या होगा, 2 में ये डिवाइड हो जाएगा, 2/√6 हो जाएगा डिवाइड करने पर। अब डिवाइड करने पर यहाँ पर देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करें कि ये √6/3 आ जाए, तो यहाँ पर देखिए √6 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर हर का परिमेयकरण करेंगे, जब इसका परिमेयकरण करेंगे तो ये आ जाएगा 2√6/, यहाँ पर 6 आ जाएगा, 2 × 3 = 6, तो देखिए कितना आ गया √6/3, यही आपका आ गया कि नहीं आ गया, जो हमने यहाँ पर नोट किया हुआ है।
तो यहाँ आप देख लो कि x माइनस अंडर रूट 6 अपान 3, अब दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर नोट करेंगे x माइनस अंडर रूट 6 अपान 3, और दूसरे ब्रैकेट में आप लिखेंगे 3x माइनस अंडर रूट 6 इज इक्वल टू 0। अब एक एक करके हम 0 करेंगे, तो x माइनस अंडर रूट 6 x अपान 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू रूट 6 बाई 3, और दूसरी वैल्यू आ जाएगी 3x रूट 6 माइनस इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू आ जाएगा रूट 6, तो x इज इक्वल टू रूट 6 बाई 3, तो x की वैल्यू दोनों आपकी क्या आ रही हैं, रूट 6 बाई 3 आ रही हैं। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन करना है, कोई भी रूट का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको परिमेयकरण जरूर करना है। परिमेयकरण करेंगे तभी आप डिवाइड जब करेंगे यहाँ पर, तो आपका वैल्यू जो है ना वो सेम आने लगेगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ है उसका ये फिफ्थ पार्ट दिया हुआ है, 1 upon x minus 1 minus 1 upon x plus 5 इज इक्वल टू 6 by 7। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर आपको एलसीएम लेना है x माइनस 1 और x प्लस 5, ऊपर आपका ये 1 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x प्लस 5 और माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 6 by 7। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 के साथ किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई किया जाता है उतनी ही वैल्यू आती है, तो ये आ जाएगा अपान x माइनस 1 और x प्लस 5। अब इसको हम अंदर साइन चेंज कर देंगे और नीचे वाले पद को क्या करेंगे, टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 5 माइनस x प्लस 1 अपान, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का x और माइनस का यहाँ पर 5 इक्वल टू 6 upon 7। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए x से x खत्म, क्योंकि माइनस प्लस है, और 5 में एक जोड़ा तो यहाँ पर 6 आ गया, x स्क्वायर और 5 में से माइनस x कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पर 4x बचेगा और माइनस का 5 इज इक्वल टू 6 upon 7। अब देखिए ये 6 से 6 वैसे दोनों तरफ है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका बचेगा कितना, 1 upon x square plus 4x minus 5 इक्वल टू 1 upon 7। अब हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 7 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x minus 5, इसको हम उधर ले जाएंगे, तो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 5 और माइनस का 7 इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 4x, 7 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 12 यहाँ पर हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये 12 का हमें ऐसा फैक्टर करना है कि 4 आ जाए। अब यहाँ पर देखिए 6 टू जो कितना होता है, 12 होता है, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 4 आ जाएगा। ये आपका द्विघात समीकरण आ गया सिंप्लीफाई करने के बाद। अब हमें फैक्टर केवल करना है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ पर 6x और माइनस का 2x माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेंगे तो ये x प्लस 6 हो जाएगा, और माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो ये x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 2 और x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू यहाँ पर 2 आ गया, और x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 6 आ गया। तो यही आपके आंसर हो जाएंगे, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, x इज इक्वल टू 2 और माइनस 6, ये आपके आंसर हैं। तो बहुत ही देखिए सिंपल क्वेश्चन था, हमने सिंप्लीफाई किया है और उसे सॉल्व कर लिया है, बस आपका ये द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है, और उसे हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसी तरह से सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का ये आपका 6 पार्ट दिया हुआ है और ये 7th दिया हुआ है, यही दो क्वेश्चन फिफ्थ में आपके शेष बचे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को आपको पहले सिंप्लीफाई करना है, फिर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, फिर उसके बाद फैक्टराइजेशन मेथड से आपको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर 1 लेट कर लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पर x आ जाएगा, ऊपर आपका x इंटू एक्स हो जाएगा और 2 into 1 ये इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2 upon x इज इक्वल टू 3, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर 2, इसको उधर मल्टीप्लाई कर लेंगे,
वन यहाँ पर लेट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे, तो इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 3x। इसको हम इधर ले आते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। 2 वन जो 2, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। एक्स इसमें कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 और यहाँ पर माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर x माइनस 1 आ गया और दूसरा आ गया x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये आपके दोनों आंसर आ चुके हैं, x इज इक्वल टू आपका 1 आया है और दूसरा 2 आया है। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन 5th नंबर का ये 6th पार्ट। अब ये 7th पार्ट यहाँ पर दिया हुआ है तो 7th पार्ट को भी सिमिलरली इसी तरह से करना है। इसको हमें क्या करना होगा, एलसीएम लेंगे तो ये एक्स प्लस 4 एलसीएम आएगा और एक्स माइनस 7 आएगा। इसको हम इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स माइनस 7 और माइनस यहाँ पर एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 11/30। ये मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी से आपका जो बाहर साइन लगा हुआ है वो माइनस में लगा हुआ है। माइनस जब लगा होता है तो ब्रैकेट लगाते हैं क्योंकि माइनस के अंदर आपके जितने भी वैल्यूज होंगी उसके पहले जो साइन लगा होगा वो चेंज हो जाता है, इस वजह से हमने ब्रैकेट लगाया। अब इसको हम साइन चेंज करेंगे तो x माइनस 7 माइनस x और माइनस का यहाँ पर 4 आ जाएगा अपॉन, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 4x माइनस 28 इज इक्वल टू 11/30। ये आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का 11/x स्क्वायर माइनस के 7 में से 4 इसको प्लस का सब्ट्रैक्ट करना है तो 7 में से 4 इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 3x माइनस का 28 इज इक्वल टू 11/30। अब देखिए ये 11 और ये 11 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का 1/ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28 इज इक्वल टू 1/30। अब इसको देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 30 आएगा तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपकी आएगी एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 20 इज इक्वल टू माइनस का 30। इसको हम इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28 प्लस का 30 इक्वल टू 0। यहाँ पर से इक्वेशन क्या निकल के आएगी दोस्तों, एक्स स्क्वायर यहाँ आपको क्या करना है माइनस का सॉरी 3x एक्स स्क्वायर माइनस 3x और यहाँ पर आपका बचेगा प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब 2 वन जो 2 सेम इक्वेशन आपकी यहाँ पर बन गई जैसे यहाँ पर बनी हुई है। अब इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 और 2 ही आएगी, इसको चाहे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 1 सॉरी 1 की जगह x रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2, यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 और यहाँ पर माइनस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x माइनस 1 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, दूसरी वैल्यू x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। देखिए सेम आंसर आना है यहाँ पर, ये जो 6th क्वेश्चन है और 7th क्वेश्चन है इन दोनों का आंसर आपका सेम आया है, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि आप इसी क्वेश्चन में आप इसको भी अटैच कर दें, आपको पूरा इसे सॉल्व करना है जैसे मैंने यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर ये 6 दिया हुआ है, 6 का पहला पार्ट है a अपान x माइनस a प्लस b अपान x माइनस b इक्वल टू 2c अपान x माइनस c। हमें इसको फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है तो इसमें पहले आपको एलसीएम लेना है x माइनस a x माइनस b, इसका हम इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो x माइनस b प्लस x माइनस ए बी इंटू कर देंगे इक्वल टू 2c अपान x माइनस सी। अब इसको सॉल्व करना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ax माइनस ए बी प्लस bx माइनस ए बी अपान, इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर
माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी इक्वल टू टू सी अपॉन एक्स माइनस सी। अब देखिए क्या करेंगे, इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। तो मल्टीप्लाई कराते हैं पहले x माइनस सी, और ये आपका हो जाएगा ए एक्स माइनस ए बी, माइनस ए बी और माइनस ए बी कितना हो जाएगा यहाँ पर 2ab हो जाएगा। तो माइनस के यहाँ पर लिख सकते हैं 2ab प्लस बी एक्स इक्वल टू टू सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी, ये हो गया। अब क्या करेंगे देखिए, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। तो ये कितना हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर और माइनस का 2abx और प्लस का, देखिए x का मल्टीप्लाई कराया मैंने ए एक्स स्क्वायर माइनस का 2abx और प्लस का आपका हो जाएगा प्लस का बी एक्स स्क्वायर। अब c से मल्टीप्लाई कराना है तो माइनस का ए सी एक्स और माइनस का 2abc और c का माइनस से मल्टीप्लाई कराना है तो माइनस का बी सी एक्स, ये हो जाएगा इक्वल टू, इसका हम इसके अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे 2c एक्स स्क्वायर, 2c एक्स स्क्वायर माइनस का 2bc एक्स, माइनस का 2bc एक्स माइनस का 2acx, 2acx और फिर बचा आपका माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर 2abc, सॉरी। अब ये आपका आ चुका है, अब क्या करना है देखिए, 2abc आपका दोनों तरफ है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इन सबको इधर लाना है। तो ये एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ में रखेंगे और ये जितने भी हैं इनको आपको अलग रखना है। तो यहाँ पर आपको रखना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस का टू सी एक्स स्क्वायर, ये हम इधर लेके आ गए। अब ये बचा आपका माइनस का टू ए बी एक्स, उधर है कहीं पर नहीं है, यहाँ पर और टर्म नहीं है तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस का टू ए बी एक्स, आपका ये टर्म बचा और ये टर्म बचा और माइनस का ए सी एक्स, इसको हम लेके आएंगे माइनस का 2bcx और माइनस का 2acx इज इक्वल टू जीरो। ये माइनस इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, सॉरी ये माइनस का 2bx bcx और माइनस माइनस इधर आएगा तो ये प्लस में आ जाएगा, तो 2acx इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए ये ए सी एक्स है और यहाँ पर ए सी एक्स है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस का टू सी एक्स स्क्वायर माइनस टू ए बी एक्स, इसको और इसको, तो यहाँ पर प्लस का बचेगा ए सी एक्स और प्लस का यहाँ पर भी बचेगा 2bcx इक्वल टू जीरो। अब देखिए इनमें से आपको x कॉमन मिल रहा है तो x हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा ax प्लस bx माइनस का 2cx और माइनस का 2ab प्लस का ac प्लस का 2bc इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से देखिए x इक्वल टू एक वैल्यू तो आपकी यहाँ से जीरो आ रही है, ये आ गई। दूसरी वैल्यू को हम क्या करेंगे, इनमें से ये x कॉमन मिल रहा है और इस वाले पूरे टर्म को उधर ले जाएंगे और वैल्यू आपकी यहाँ से निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका टर्म जो बचा हुआ है, सॉरी यहाँ पर ये टर्म केवल बचा हुआ है तो इसमें से x कॉमन ले लेते हैं पहले, तो क्या बचेगा a प्लस बी माइनस टू सी, इतना बचा यहाँ पर। अब इसको हम उधर ले जाएंगे इक्वल टू, तो 2ab प्लस का हो जाएगा माइनस का ac और प्लस का 2bc, माइनस का ac सॉरी यहाँ पर माइनस का होगा माइनस का 2bc। यहाँ से आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है, तो x इज इक्वल टू
टू ए बी माइनस ए सी माइनस टू बी सी अपान ए प्लस बी माइनस टू सी। एक्स की वैल्यू यहाँ पर ये आ जाएगी और एक्स इक्वल टू आपका जीरो आया था, तो ये दो वैल्यूज आपकी यहाँ से निकल के आएंगी, यही इसका आंसर होगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स का सेकंड पार्ट दिया हुआ है, वन अपान एक्स माइनस थ्री प्लस टू अपान एक्स माइनस टू इज इक्वल टू एट अपान एक्स। इसको भी हमें फैक्टराइजेशन मेथड से गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, एलसीएम लेंगे यहाँ पर एक्स माइनस थ्री और एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू को वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स माइनस टू हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स माइनस थ्री इंटू टू इज इक्वल टू एट अपान एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्स माइनस टू प्लस, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो टू एक्स माइनस सिक्स अपान, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स माइनस का थ्री एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू एट अपान एक्स। अब इसके बाद क्या करना है देखिए, एक्स एक्स और एक्स कितना हो जाएगा, ये थ्री एक्स हो जाएगा और टू में से सिक्स को ऐड करेंगे तो माइनस का एट आ जाएगा और अपान यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू एट अपान एक्स। अब देखिए इसको हमें क्या करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको हमें इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है, सॉल्व करना है, तो ये आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का एट एक्स इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे तो एट एक्स स्क्वायर माइनस फोर्टी एक्स प्लस 48। अब हम क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 8x square माइनस का 3x square माइनस का 40x और 8 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का 8x प्लस का 48 इक्वल टू जीरो। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 5x square और यहाँ पर आपका आएगा माइनस का 32x प्लस का 48 इक्वल टू जीरो। अब इसको हमें फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करना है, सॉल्व करना है, 5 का 48 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा देखिए, 48 इंटू 5 करेंगे तो यह आ जाएगा 240। 240 का हमें ऐसा फैक्टर करना है कि यहाँ पर जोड़ या घटाना 32 आ जाए, तो हम करेंगे 20 और 12, 20 इंटू अगर 12 करते हो तो आपका आ जाता है 240 और 20 में से 12 को ऐड करते हो तो 32 आ जाता है, तो ये आपका फैक्टर हो गया। तो यहाँ पर आपको सॉल्व करना है 5x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 48 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ सॉल्व करेंगे तो 5x स्क्वायर और माइनस का यहाँ पर आ जाएगा 20x और माइनस का 12x प्लस का 48 इक्वल टू जीरो। इसमें से 5x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 माइनस का यहाँ पर 12 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 इक्वल टू जीरो। 5x माइनस 12 और एक ब्रैकेट x माइनस 4 इक्वल टू जीरो। 5x माइनस 12 इक्वल टू जीरो, एक एक करके जीरो करते हैं तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 अपान 5 आ जाएगा। यहाँ से दूसरी वैल्यू आएगी x माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू 4, यही इसके आंसर होंगे। ये बहुत ही देखिए सिंपल वैसे क्वेश्चन था, आपको यहाँ पर सॉल्व करना था फैक्टराइजेशन मेथड से। क्वेश्चन नंबर 6 का ये सेकंड पार्ट का आंसर है। अब यहाँ तक जो मेरा लेक्चर है वो आज कंप्लीट होता है और जितने भी क्वेश्चन आपके रिमेनिंग रह गए हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिस्क्राइब करेंगे। तब तक थैंक यू सो मच और नेक्स्ट लेक्चर का वेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।